नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाजनी बेगम आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज के समय में आधे से ज़्यादा सरकारी कार्य सीएससी सेंटर के माध्यम से किए जाते हैं, इन सभी सीएससी सेंटर के माध्यम से नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए सीएससी सेंटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के नागरिकों के विभिन्न प्रकार के दस्तावेज को तैयार किया जाता है। इस सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे आज के समय में सभी काम डिजिटल होने लगे हैं और इसके लिए हमें डिजिटल सेवा केंद्र की आवश्यकता पड़ती है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य एवं गांव में अपना सीएससी डिजिटल सेवा केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है और इसका लाभ लेने के लिए उसकी आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो सीएससी सेंटर लेने के लिए क्या क्या करना होता है, किस तरीके से सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करना होता है, यहाँ पर आप इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो सीएससी सेंटर लेने के लिए सबसे पहले हम सीएससी की वेबसाइट जैसे register.csc.gov.in इस वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, स्टेटस चेक, अपडेट यूआईडी टोकन, टीसी सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम टीसी सर्टिफिकेट पे जाएंगे। सीएससी लेने के लिए आपके पास टीसी सर्टिफिकेट नंबर होना ज़रूरी है, बिना टीसी सर्टिफिकेट के आप सीएससी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो टीसी सर्टिफिकेट के लेने के लिए हम इस टीसी सर्टिफिकेट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको 1479 फीस आपकी डिडक्ट होती है। तो इसे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है यहाँ पर आपको बताएंगे। टीसी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आपका पेज रिडायरेक्ट होके इस पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन विद अस पे कर जाएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने जो भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं जिस पे ये स्टार बना हुआ है वो आपको फिल करना है। नाम, जैसे नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, मोबाइल, मेल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको अपडेट करनी होती हैं। डेट ऑफ बर्थ, लेकिन जिसमें जो भी आप डिटेल फिल करेंगे वो एज पर आधार होनी चाहिए, जैसा आपके आधार में लिखा है एज इट इज़ यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके से आप डिटेल फिल करके सबमिट करेंगे और पेमेंट आपके डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जो भी माध्यम आप चाहें उसे चूज़ करके आप इसकी फ़ीस 1479.72 रुपये 1479.72 पैसे ये पेमेंट आप करते हैं। इसको करने के बाद आपका टीसी नंबर, टीसी यूज़र आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा। टीसी नंबर डालेंगे, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका होम पेज शो करेगा। इस होम पेज में यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स शो करेंगे, 10 मॉड्यूल्स होते हैं, आपको ये सारे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं, अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो भी आपने अगर 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं तो भी आप सीएससी अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप 10 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद सीएससी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद फिर एग्ज़ाम पर क्लिक करना होगा, एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आपको टीसी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सीएससी अप्लाई करने में कहीं पर कोई इशू आता है, कोई भी एरर आता है, तो आपको हमारी इस ईमेल आईडी पर tech.support@csceacademy.org इस ईमेल आईडी पर मेल करना होगा। इस पे मेल आपको क्या क्या करना होगा, आपको टीसी नंबर, अगर आपके आधार में कुछ और नाम लिखा है और टीसी में गलती से कोई और नाम लिख गया है तो वो करेक्ट नेम, DOB और जेंडर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना फ़ोटो अटैच करना होगा
और आपको एरर किस किस तरीके के मिल सकते हैं, वो कुछ इस तरीके के एरर हो सकते हैं जो आपको अप्लाई करने में दिक्कत करेंगे। जैसे अगर आपकी डिटेल आपके आधार से मैच नहीं कर रही है, प्रोवाइडेड डिटेल डिड नॉट मैच विद योर आधार, या कोई करेक्शन है, या आप कोई मैनिपुलेटेड डेटा फाउंड, इस तरीके का एरर आ रहा है, तो आप ये सारी डिटेल लेके टेक डॉट सपोर्ट एट सी एस सी अकेडमी डॉट ओ आर जी पर मेल कर देंगे। 3 डेज के अंदर आपको इस पे रिवर्ट मिल जाएगा और आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, तब आप सी एस सी अप्लाई कर पाएंगे। सी एस सी अप्लाई करने के लिए फिर से आपको हमारी इसी वेबसाइट पर जाना होगा, register.cse.gov.in। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे, यहाँ पर आप सी एस सी वीएलई सेलेक्ट करेंगे, टीसी नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी वेरीफाई होगी, ये आपके मोबाइल पर और मेल पर ओटीपी जाके, तब ओटीपी फिल करने के बाद ये वेरीफाई होगा, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। आपका एक पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, जेंडर, डीओबी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रूरल है, अर्बन है, ये इतनी चीज़ें अपनी अपने एंड से फिल करनी होगी जहाँ पर आप सेंटर लेना चाहते हैं। फिर ऑथेंटिकेशन टाइप आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ओटीपी, एफएमआर, आईआईआर, यहाँ पर हम आपको ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके का पेज आएगा, इसमें आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बता दे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आपका सीएससी में डाल दें, आप कोई भी मोबाइल नंबर सीएससी में और कोई भी मोबाइल नंबर आपका आधार में रजिस्टर हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ जनरेट ओटीपी करेंगे, उस ओटीपी को डाल के वैलिडेट करेंगे, इस तरीके से फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे, कियोस्क डिटेल जो आपका सेंटर का नाम होगा, या आप अपना नाम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, विलेज, टाउन, ये सब चीज़ें आपको खुद से फिल करनी होगी। पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। उसके बाद लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये आपकी लोकेशन से उठाता है, अगर नहीं आ रहा है तो आप ये पॉइंट माइनस पर क्लिक करते रहें तो ये आपको एक मैप पर ले जाएगा। मैप से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी लोकेशन उठा के क्लिक करेंगे तो ये ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। इसके बाद पैन आपको डालना है, इंडिविजुअल है या कंपनी का है, क्योंकि आपकी आईडी इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल पैन पे क्लिक करेंगे और पैन नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको बैंकिंग डिटेल डालनी है, यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों में से कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर डालेंगे, कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करने ना होता है, इनमें से आप चाहे कैंसिल चेक चाहे पासबुक जो भी हो, आपका 100 KB से 3200 KB तक के आप अपलोड कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप आधार लगा सकते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको के पास अवेलेबल हो, वो जैसे वोटर आईडी है या पासपोर्ट है, कुछ भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये आए डिक्लेयर पे क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अगर आप आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कर रहे हैं तो वह आपका विजिबल होना चाहिए। आपका जो भी नाम आप दे रहे हैं, सी एस सी वीएलई नेम शुड बी मैच विथ पी ओ ए पी ओ आई होल्डर नेम, स्पेलिंग एंड स्पेस मिस मैच विल नॉट बी अप्रूव्ड। अगर आपके नाम में, अगर आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आईडी एड्रेस प्रूफ का, उसमें नाम कुछ और लिखा हुआ है और आपके सी एस सी में आपने नाम कुछ और लिखाया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए, स्पेस का भी मिसमैच एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको बोथ साइड का डॉक्यूमेंट देना है, जैसे आप वोटर आईडी दे रहे हैं तो उसमें आप फ्रंट कार्ड ही स्कैन करके लगा देते हैं, वो गलत है, आप दोनों साइड का ही स्कैन करके अपलोड करेंगे। फुल कॉपी ऑफ आधार, आधार लगाते हैं तो पूरा पेज लगा देते हैं जो डाउनलोडेड होता है, ऐसे में आपका इमेज ब्लर हो जाता है, तो जितने में मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं आपको वही लगाना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके लगाना चाहिए।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके लगाना चाहिए, और पीओ जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए, और जो भी आप नेम एंड एड्रेस के लिए लगा रहे हैं अगर उसके एड्रेस ही दिखाई नहीं दे रहा तो वो अप्रूव नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उसमें एड्रेस ज़रूर शो हो रहा हो। बैंकिंग डॉक्यूमेंट में भी सेम कंडीशन है, नाम आपका अगर मिसमैच होगा तो अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे अमित कुमार शर्मा नाम है किसी का, और वो CSC में अमित कुमार शर्मा लिखा और बैंकिंग डॉक्यूमेंट में वो अमित शर्मा के नाम से दे रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसा आपके CSC में नाम है एज इट इज आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए। इंडिविजुअल बैंक ज्वाइंट बैंक अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, फर्म में बैंक अकाउंट आपकी इंडिविजुअल आईडी में अप्रूव नहीं होगा। तो आप इंडिविजुअल बैंक अकाउंट या फिर ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो वही लगा सकते हैं। कैंसिल चेक या पासबुक दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों लगा सकते हैं। बैंकिंग डॉक्यूमेंट वही अप्रूव होगा जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बैंक द्वारा प्रिंटेड होगा, ना कि हैंड राइटिंग में लिखा होगा। अगर आप हैंड राइटिंग में लिखकर अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाए वो विजिबल होना चाहिए, अगर रीडेबल ही नहीं होंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके के कैंसिल चेक को आप देख सकते हैं, इसमें कैंसिल चेक ऊपर जो दिया हुआ है उसमें नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नहीं आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर है, लेकिन नीचे दिया हुआ जो है उसमें आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिखा है। तो नीचे दिया हुआ कैंसिल चेक करेक्ट है, जो अप्रूव होने लायक है। ऊपर वाला कैंसिल चेक अप्रूव होने लायक नहीं है, तो इस तरीके के चेक मत लगाएं। पासबुक आप देखिए, दोनों ही पासबुक सेम है, लेकिन फुल कॉपी की वजह से वो ऊपर वाली पासबुक आपकी रीडेबल नहीं है और नीचे वाला जो है वो बिल्कुल रीडेबल है, उसे अप्रूव किया जा सकता है। आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए हमारी इसी वेबसाइट पर जाएंगे, अप्लाई में स्टेटस, यहाँ पे होम पर स्टेटस पे क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपकी आईडी क्रिएट हो गई है तो यहाँ पर आपको अकाउंट हैज बिन क्रिएटेड करके लिए आपकी CSC आईडी मिल जाएगी। अगर क्रिएट नहीं हुई है तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि ये किस वजह से रिजेक्ट हुई है और किस रीज़न से रिजेक्ट हुई है। CSC आईडी अप्रूवल के या रिजेक्शन के ये कुछ रीज़न होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। आपका CSC अप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा आपके सेंटर को फिजिकली चेक करना मैंडेटरी है। तो आप अपने CSC अप्लाई करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेज CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ज़रूर कांटेक्ट करें ताकि वो आपके सेंटर को पर आके विजिट करके उसे चेक कर सकें। आपके सेंटर पे कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर, सिटिंग अरेंजमेंट और रेट लिस्ट होनी चाहिए। रिजेक्शन के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? बैंकिंग, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस रीज़न क्या क्या रीज़न होते हैं रिजेक्शन के। KYC डॉक्यूमेंट, आईडी एड्रेस प्रूफ अगर गलत होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपने सही से नहीं मार्क किया है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। या पैन आपका अगर प्रॉपर मैच नहीं हो रहा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने फिजिकल वेरिफिकेशन आपके सेंटर पे किया है या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने आपके सेंटर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आप कांटेक्टेबल नहीं हैं, या आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है या नॉट रीचेबल जा रहा है, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पे विजिट करने गए और आपका सेंटर प्रॉपर रेडी नहीं है या बैनर नहीं लगा है, क्योंकि इस समय पर बैनर लगना भी ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सेंटर रिजेक्ट हो जाता है। CSC पर बैनर आपका इस तरीके का CSC सेंटर पे बैनर होना चाहिए। ये आपको CSC आईडी मिलने से पहले पहले प्रिपेयर करना होगा। CSC आईडी का कॉलम आपको ऊपर खाली रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट करवा लेनी है। यहाँ मिंटू जन सेवा केंद्र जहाँ पे लिखा है यहाँ पर आप अपना सेंटर का जो नाम है वो रखेंगे, नीचे आपका एड्रेस रहेगा इस तरीके से, और ऊपर CSC आईडी वाले कॉलम आप खाली रखेंगे। जब CSC आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपको वहाँ पे मार्कर से अपने CSC आईडी लिखना है। इस तरीके से आपका सेंटर का सेंटर होना चाहिए, इस तरीके से बैनर आप लगवाएं। CSC आईडी अप्लाई होने के बाद, CSC आईडी क्रिएट होने के बाद आप अपने CSC आईडी का पासवर्ड कैसे बनाएंगे उसके लिए भी आपको register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पे जाना होगा। माई अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ पर CSC आईडी डाल के फिंगरप्रिंट डिवाइस का यूज़ करना होगा आपको। कैप्चा डालेंगे, आई हेयर बाय पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। इस तरीके से आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा।
बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आपका प्रोफाइल नहीं खुल सकता है। इस तरीके से प्रोफाइल आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स अपडेट भी कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल आपको लगता है कि गलत है या आप बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग में जाके कनेक्ट पासवर्ड, कनेक्ट पासवर्ड मतलब CSC आईडी के लिए जो आपका पासवर्ड सेट करना है वो यहीं से सेट होगा। यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं, आपको पुराना पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई करके आप नया पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके सेट कर लेंगे। अगर आपके की CSC आईडी चल रही है, आपको सिर्फ पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड है, पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर से आप अपने CSC सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप CSC आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और CSC आईडी क्रिएट होने के बाद इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो अगर CSC आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा, CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, ताकि वो आपके सेंटर को वेरीफाई कर ले। आपके सेंटर पे विजिट करेंगे, विजिट करके अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाएंगे, तब आपकी CSC आईडी क्रिएट होगी। ध्यान रहे, CSC आईडी लेने के लिए आपको सिवाय 1479 रुपये के, जो कि TEC के लिए पेमेंट करना होता है, इसके अलावा CSC आईडी लेने के लिए आपको कहीं पर कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता है। ध्यान रखें इस चीज़ का, CSC आईडी लेने के लिए आपको सिर्फ 1479 रुपये TEC के लिए पेमेंट करना होता है। इसके अलावा आपको CSC आईडी लेने के लिए कहीं कोई भी पेमेंट, किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको CSC अप्लाई करने में या कहीं कोई इशू आता है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है नाजनी nazneebegum@csc.gov.in। इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। CSC के बारे में इतनी ये जानकारी थी। कोई इशू आता है तो हमें मेल करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।